हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th की मैथमेटिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के एग्जांपल्स। इससे पहले की क्लास में हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं और रैशनल नंबर क्या होते हैं। और अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उस क्लास को देख सकते हैं, उसके बाद ही ये क्लास आपके आसानी से समझ में आएगी। तो और टाइम वेस्ट किए बिना अभी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये है एक्सरसाइज 1.1 का एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में क्या है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। पहला क्या है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। अब देखिए, सबसे पहले इसमें राम कथा कहे बिना बिल्कुल पॉइंट की बात करते हैं कि होल नंबर क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले होल नंबर क्या होंगे कि जीरो से स्टार्ट होंगे और 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से चलते रहेंगे, कहां तक, अप टू इंफिनिटी तक। ठीक है, इस साइन का मतलब होता है इंफिनिटी। और नेचुरल नंबर क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे कि जो किससे स्टार्ट होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी। मतलब होल नंबर और नेचुरल नंबर में इतना डिफरेंस है कि होल नंबर में जीरो होता है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं। तो जीरो जीरो होल नंबर है। अब सबसे पहले आप देखिए कि जीरो क्या है, जीरो होल नंबर तो है लेकिन जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, कि जीरो क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये क्या कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो ये फर्स्ट वाला क्या होगा, फर्स्ट वाला होगा फॉल्स। और रीजन क्या है इसका, और इसका रीजन क्या है कि जीरो इज ए होल नंबर बट जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, क्या सारे इंटीजर रैशनल नंबर होंगे। और सेकंड देखिए, सबसे पहले इंटीजर क्या होंगे कि इंटीजर देखिए, इंटीजर की जीरो से बड़े क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सोन, ये होंगे पॉजिटिव, और जीरो से कम क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, और जीरो से कम कि -1, -2, -3 ये क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स, और इन सबको मिलाकर क्या होगा, इन सबको मिलाकर होगा कंप्लीट इंटीजर्स। ठीक है, और रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर है कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है कि जिसको हम पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकें, और पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब जैसे 1/2, 3/2 तो ये क्या है, रैशनल नंबर है, लेकिन ये साथ ही साथ क्या है, इंटीजर्स भी हैं। अगर ये माइनस में भी हो कि -1/2, -5/3 तो ये भी क्या है, इंटीजर्स, और ये क्या है, रैशनल नंबर भी है। तो क्या होगा, ये होगा ट्रू। रीजन क्या है,
वन बाई टू और थ्री बाई टू, अगर माइनस में भी लें हमें वैल्यूज, तो ये क्या है, इंटीजर्स भी हैं और रेशनल नंबर। उसके फर्स्ट एग्जाम्पल का थर्ड पार्ट, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब रैशनल नंबर क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पी बाई क्यू फॉर्म में हूँ, और पी और क्यू क्या हैं, इंटीजर्स हों, लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। और सेम और एच सी एफ क्या होगा, एक ये बात भी होती है कि एच सी एफ पी और क्यू का होगा, पर इसका मतलब है कि पी और क्यू क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, क्या होंगे, को प्राइम नंबर। के को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि जहाँ दोनों का एच सी एफ वन। और इंटीजर्स क्या होंगे, इंटीजर्स क्या होंगे कि देखिए आप, इंटीजर्स क्या होंगे, सेम अभी आपको मैंने बताया कि 0, 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव अप टू सो ऑन, और -1, -2, -3 अप टू 0, इन सब के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स। लेकिन 3 बाय 2 हो, 5 बाय 3 हो, 3 बाय 5 हो, ये क्या है, रैशनल नंबर तो हैं, लेकिन ये इंटीजर्स नहीं है, ये क्या है, फ्रैक्शन है। क्या है ये, फ्रैक्शन। तो ये भी क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स क्यों आएगा, क्योंकि इनमें से आप कोई एक नंबर या ऐसा कोई नंबर ले कि ये रैशनल नंबर तो है लेकिन इंटीजर्स नहीं है, ये है फ्रैक्शन। अब इसका सेकंड एग्जांपल, अब देखिए सेकंड एग्जांपल में आपसे कहा गया है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, एंड वी कैन अप्रोच दिस प्रॉब्लम इन एटलीस्ट 2 वेज। यानी 1 और 2 के बीच में आपको कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5 रैशनल नंबर। अब देखिए इसके ना दो तरीके हैं, एक तरीका तो जो बुक में दिया हुआ है वही बताऊंगा मैं, और एक और आपको दूसरा तरीका। तो पहला मेथड देखिए, फर्स्ट मेथड, आपको कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर। ठीक है, तो जितने रैशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं ना, उसमें आप 1 ऐड कर दो, 5 इक्वल टू 1, 6। देखिए 1 और 2 के बीच में क्या है, आपको रैशनल नंबर फाइंड करने। ठीक है, तो 1 की मल्टीप्लाई आप 6 से करो और 6 से ही डिवाइड करो, और 2 की मल्टीप्लाई 6 से करो और 2 से ही डिवाइड करो, तो ये क्या आएगा, 6 बाय 6, और ये आया 12 बाय 6। ठीक है, अब 6 में आपको 1 ऐड करना है, यानी 6 प्लस 1 बाय 6, यानी ऊपर वाले नंबर में। अब ये 7 आ गया, अब 7 प्लस 1 बाय 6, अब ये 8 आ गया, तो 8 प्लस 1 बाय 6, अभी 9 आ गया, तो 9 प्लस 1 बाय 6, अभी 10 आ गया, तो 10 प्लस 1 बाय 6, और 11 प्लस 1 बाय 6 क्या आएगा, 12 बाय 6। 6 बाय 6 या 7 बाय 6 या 8 बाय 6 या 9 बाय 6 या 10 बाय 6 या 11 बाय 6, और ये 12 बाय 6। अब देखो 6 बाय 6 कट के क्या रह गया, 1, और 6 बाय 2 रह गया 2। अब आपको एक और ज्ञान की मैं चीज बताता हूं कि जैसे 6 बाय 3 है, ये क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर हम इनको आपस में कट कर देंगे ना, तो 2 बाय 1 इसकी क्या होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म रैशनल नंबर की क्या होती है कि उन दोनों नंबर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम नंबर बना देना, कि उन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, 1। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। तो पहला आंसर आया 1, फिर नेक्स्ट 7 बाय 6, 8 बाय 6 कट जाएगा, 2 4 जा और 2 3 जा, कितना आया, 4 बाय 3,
और ये कट जाएगा 3 से 3, 3 जा 3, 2 जा, ये कट जाएंगे 2 से 2, 5 जा 2, 3 जा 6, 11/6 नहीं कटेगा, और 12/6 कितना आया 2, तो ये 5 रैशनल नंबर हैं जो 1 और 2 के बीच में आए। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके आंसर मैच करें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं इनको करने के, और 2 नंबर के बीच में रैशनल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट। अब अब देखिए देखिए एक एक और और सेकंड मेथड इसमें। अब सेकंड मेथड जो बुक में दिया हुआ है उससे ना करके मैं आपको एक और इजी मेथड बताता हूँ बिल्कुल, कि जैसे 1 और 2 के बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है, तो 1 के बाद क्या आएगा, 1.1, 1.2, 1.3, फिर 1.4, 1.5, 5 ही करने हैं ना आपको फाइंड, बस 2। अब 1 को तो 1 ही लिख दो, 1.1 क्या होगा, इसका डेसिमल हटाने के लिए हम 10 से डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो 11/10, 12 को करेंगे 1.2 को करेंगे 12/10, ये हो गया 13/10, ये हो गया 14/10, ये हो गया 15/10, और ये हो गया 2। अब सिंपल ये 5 रैशनल नंबर आए ना, अब इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 ही रहेगा पहला, तो 11/10 नहीं होगा कट, दोनों के बीच का कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है, ये 2 6 जा 2 5 जा, तो 6/5, 13/10 एज इट इज, 2 7 जा 2 5 जा, तो ये क्या है 7/5, और ये क्या है 5 3 जा 5 2 जा, तो ये क्या है, तो यही, तो ये 5 रैशनल नंबर हैं जो आए हैं इनके बीच में। अब बुक में जो मेथड दिया हुआ है वो आपने 8th क्लास में ऑलरेडी स्टडी करा होगा, कि आर प्लस एच बाई 2, आर एच का मतलब है कि जैसे 1 और 2 के बीच में निकालना है ना, तो 1 प्लस 2 बाई 2 कितना आएगा, 3/2। फिर नेक्स्ट, अब यहाँ क्या है देखो, ये हो गया आर और ये है एस, सेम ऐसे ही सारे नंबर आ जाएंगे। एक और मेथड है कि 1 और 2 के बीच में निकालना है ना, 1 और 2 के बीच में आपको निकालना है, तो आपको इसको 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करो, और फिर नेक्स्ट 1 ऐड करते जाओ। तो बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन ये जो 2 मेथड मैंने बताए हैं ना, ये बहुत ही सिंपल और इजी है। तो छोटी सी क्लास थी, इसमें क्या है 2 ही एग्जाम्पल थे, तो उम्मीद है कि ये क्लास आपके समझ में आई होगी, और अगर ये क्लास समझ में आई है तो आप इस क्लास को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और इस क्लास को लाइक कर सकते हो, और ऐसी ही और क्लासेस के लिए आप हमारा चैनल देखते रहें। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 1.0, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।